और एक बड़ी खबर मुंबई के गोरेगांव इलाके से है, जहां 5 मंजिला इमारत में अचानक से ही आग लग गई है। आग में झुलसकर अब 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इस आग में 24 लोग में से 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगने की वजह का अभी तक भी पता नहीं चल सका है, लेकिन दुखद ये है, अपडेट ये है कि 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। 5 मंजिला ये इमारत जिसमें आग लगी, और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप कैसे धारण कर लिया वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। अपडेट अभी भी ये है कि अभी भी आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। दमकल की कई सारी गाड़ियां वहां पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग को काबू में कर लिया जाए। विवेक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, अपडेट ये 6 लोगों की मौत हो गई है, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस अपडेट सामने आ रहा है उसमें 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और जो अपडेट सामने आया है कि 14 में से 6 लोग की मौत हो चुकी है और बाकी लोग भी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। इनके मुंबई के 2 अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है और आग पर 90% काबू पा लिया गया है। सिर्फ एक कूलिंग प्रोसेस जो है एक पायरेटर वो चल रहा है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि जो इमारत है वो काफी बड़ी है और पार्किंग स्लॉट में भी कुछ लोग फंसे होने की आशंका है। इसलिए फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि आग पर जब पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा तो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, कूलिंग प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद जो लोग वहाँ फंसे होंगे साथ उन्हें भी निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रात जो आग है वो रात के 3 बजे लगी थी, सब लोग घर के और बिल्डिंग में सब लोग सो रहे थे, तो बाहर निकलने में उन्हें काफी तकलीफ हुई थी और फायर ब्रिगेड ने सबको देर रात रेस्क्यू कराया। 40 लोग को रेस्क्यू कराया गया था, जिसमें 30 लोग इंजर्ड हो गए थे। 30 में से 14 लोग काफी ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड थे, जिन्हें मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया था। अब जो अपडेट सामने आ रहा है इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण से सिर्फ फायर ब्रिगेड को ऐसा लग रहा है कि शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, लेकिन फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी। बिल्कुल विवेक, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट की वजह नहीं रही होगी तो क्या वहां पर देखकर लग पा रहा है? आपको कोई और जानकारी है ये इलाका कैसा है? क्योंकि अगर इस बिल्डिंग के पास में, क्योंकि अभी तक भी आग नहीं बुझी, और अगर इस बिल्डिंग के पास में और भी कुछ ऐसी जगह है जिसको चपेट में आग ले सकती है तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गोरेगांव वेस्ट इलाका है, जो मुंबई का पॉश इलाकों में से एक आता है और ये पूरा कॉमर्शियल इलाका है। और यहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी है, जिस बिल्डिंग में घटना घटी है उसके आसपास सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, और जिस समय आग लगी उस समय सब लोग सो रहे थे, इसी वजह से ये जो इंजर्ड है और जो कैजुअल्टीज है वो नंबर बढ़ सकते हैं। और फायर ब्रिगेड का कहना है कि उन्हें 3:06 पर कॉल आया था, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँची थी। जब फायर ब्रिगेड टीम वहाँ पहुँची तो बहुत सारे लोग जो है अपने घर की खिड़की के बाहर खड़े थे, क्योंकि आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से रहना शुरू हुई थी, इसलिए लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड ने जितनी कोशिश होती, जो लोग फंसे थे वहाँ पर उन सबको रेस्क्यू किया गया है, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत दुखद है, 6 लोगों की जान इसमें चली गई है। उम्मीद यही है कि जो लोग अगर फंसे हुए भी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।